गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बच्चे। आज जो मैं वीडियो बनाने के लिए जा रही हूँ वो मैं कक्षा 5 से यानी कि 5th स्टैंडर्ड से बनाने के लिए जा रही हूँ, और वो भी आकृति से। बच्चे, कभी कभी हमारे जीवन में, हमारे ज़िंदगी में कोई भी चीज़ इतनी हावी हो जाती है कि उसके सामने शेर भी आ जाए, चीता भी आ जाए, तो उसका भी डर जो है, उसके लिए भी जो एक भय उत्पन्न होती है हमारे अंदर, वो भी कम पड़ जाती है। अब आप सोचेंगे कि ये मैम किसकी बात कर रही है, तो चलिए आज हम इसी के ऊपर आधारित है, देखते हैं कौन से अध्याय पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो पाठ 12, और पाठ 12 से कहानी का शीर्षक क्या है, टिप टिप वाह, इसी के ऊपर हम बात कर रहे थे। टिप टिपवा। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज़ रोज़ रात में सोने से पहले दादी की कहानी सुनता। दादी रोज़ उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार दादी किसको कहानी सुना रही है, पोता को। देखिए यहाँ पे चित्र भी कितनी अच्छी बनी हुई है। ये दादी है और ये पोता है जो एकदम चाव के साथ दादी की बात को सुन रहा है, दादी की कहानी को सुन रहा है। तो वही दादी उसे कहानी बता रही है। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। लोगों के ऊपर वो बारिश हावी हो गई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए, ये टिप टिपवा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है, मतलब टिप टिपा जो बारिश की जो पानी घर में गिरते रहती है, टिप 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 गिरती है ना, तो उसी को वो बारिश को ही उसकी दादी टिप टिपवा बोलती थी। तो उसका पोता पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है, टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है, क्योंकि उसकी दादी बोली ना, ये टिप टिपवा से जान छूटे तब ना मैं तुझे कहानी बताऊँगी, टिप टिपवा से तो जान ही नहीं छूट रही जो मैं तुझे कहानी सुनाऊँगी। टिप टिपवा उस दादी को परेशान करके रखा था, क्योंकि घर में टिप 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 पानी इधर उधर 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 गिर रही थी। तो पोता बड़े चाव से पूछा, टिप टिपवा कौन है, टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है। दादी छत से छपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा का डर ना बकवा का डर, डर तो डर टिप टिपवा का डर, टिप टिपवा के डर। मतलब वो इतना हावी था टिप टिपवा, इतना बारिश हावी था, क्योंकि घर में वो पानी टिप 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 चूते रहता था, उसके सामने शेर का भी डर कम पड़ गया था, बाघ का भी डर कम पड़ गया था, वो दादी बता रही है। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ और बारिश से दोनों से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। कौन? बाघ बुढ़िया की बातें सुनकर और डर गया। अब यह टिप टिप टिपवा कौन सी बला है, कौन बोल रहा है? बाघ अपने आप में सोच रहा है, अब यह टिप टिपवा कौन सी बला है, जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिप टिपवा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझे हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। बाघ को भी लगा, ये टिप टिपवा कौन है, शायद ये बहुत बड़ा जानवर है, शेर सबसे भी बड़ा जानवर है जो मुझे आके खा जाएगा। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था, वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब हो गया था। बारिश की वजह से वो पूरा गांव परेशान था। तो उसका गधा गायब हो गया था आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भींगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला।
गधा है। उसने और देखा न तो और लगा बाघ पर, कहाँ है, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। कहाँ से कहाँ चले गए हम लोग, ये तो पहले यहाँ था, कहीं नहीं मिला, ओके अब ये यहाँ आएगा। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। उसकी पत्नी बोली, जिसका गधा गायब हो गया था, उसकी पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबकी सबके बारे में उन्हें पता होता है, उन्हें खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर, मतलब लठ मतलब लाठी डंडा, अपना मोटा डंडा उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। उनके पंडित जी भी अपने पंडित जी के भी घर में बारिश का पानी जमा हो गया था, जिसे वो निकाल निकाल के फेंक रहा था। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए कि वह कहाँ है। सुबह से पानी उलझते उलझते पंडित जी थक गए। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने। अरे जाकर ढूंढ उसे कहीं गढ़ई पोखर में, मतलब कि वो पानी उलझते उलझते पंडित जी थक गए थे, उसके भी घर में पानी जमा हो गया था गिर गिर करके, तो वो भी झुंझला गया, उसकी बात उसको अच्छी नहीं लगी। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और पंडित जी बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गए पूछने। अरे जाकर ढूंढ उसे कहीं गढ़े पोखर में, और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहाँ से चल दिए। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊँची ऊँची घास पर उग रही थी तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपा के डर से वही घास में छिपा बैठा था। कौन बैठा हुआ था, वो बाघ बैठा हुआ था। टिपटिपा के डर से, बुढ़िया की बात सुनकर झोपड़ी के पीछे जो बाघ टिपटिपा के डर से भाग गया वहाँ से, टिपटिपा कौन सी बला है, तो वो कहाँ पर जाके छिप गया, घास में जा करके छिप गया था। तो धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने और देखा न तो देखा, लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने, वो डंडा से मारने लगा उस बाघ को। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन यह सोचा, लगता है यही टिपटिपा है। बाघ तो मार खा रहा है और मन ही मन वह ये सोचने लगा कि लगता है यही टिपटिप हुआ है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया, अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। बेचारा बाघ सोचा कि अब यह देखिए, वो आपको मैं चित्र भी दिखा देती हूँ, पंडित जी के घर में पूरा पानी जमा है और पंडित जी पानी उलीच रहे थे, तो ये गया अपना गधा को, ये पंडित जी, ये धोबी गया गधा के बारे में पूछने के लिए, पंडित जी देखो कितने गुस्से से उसे देख रहे हैं, क्योंकि पंडित जी के घर में तो पानी जमा है, ठीक है। तो बाघ ने मन ही मन यह सोचा, लगता है यही टिपटिपा है, आखिर उसने मुझे ढूंढ ही लिया, अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहेगा चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कच्चूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिए। बाघ का कान पकड़ के वो घर की तरफ चल दिए थे, क्या समझ करके, गधा समझ के कि यही उसका गधा है। बाघ बिना चू चपड़ के भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब देखिए ये धोबी है जो बाघ को क्या समझ करके लेके जा रहा है, गधा समझ के लेके जा रहा है कि यही वो गधा है, और बाघ बेचारा टिपटिपा के डर से कहीं कहीं छिपते जा रहा है कि टिपटिपा कौन सी बला है, ये हमसे भी बड़ा ऊपर का कोई है क्या जो इसके डर से सब पूरा गांव परेशान है। देखिए वो बाघ कहाँ बैठा हुआ था, झाड़ी के पीछे जहाँ पे घास उगा हुआ था वहीं पे जाके बेचारा बाघ बैठा हुआ है और उसे वो धोबी पकड़ के लेके जा रहा है क्या समझ के, गधा समझ के। तो इस कहानी से क्या आपको शिक्षा मिली बच्चे, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि वो टिपटिपुआ पूरे गांव को ऐसा उलझा के रखा था, टिपटिपा बारिश को ही बोला गया है, बारिश को टिपटिपा कहा गया है, तो पूरे गांव
उस टिपटिपा से परेशान था और सभी जगह टिपटिपा की चर्चा हो रही थी। बुढ़िया ने टिपटिपा का चर्चा किया, टिपटिपा से जान बचे तब ना, तो बाघ को क्या लगा कि टिपटिपा कौन सी बला है जो सब उससे डर रहा है। तो उस टिपटिपा के डर से बेचारा बाघ भी गधा बन के उसके पीछे पीछे जा रहा है चुपचाप। तो अब देखिए एक ही और मैं आपको बता दूं, इस कवि का, इस कहानी का कवि कौन है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये याद रखिएगा, गिरिजा रानी अस्थाना। कवि का नाम क्या है? गिरिजा रानी अस्थाना ने इस कहानी को अंजाम दिया है, इस कहानी को लिखा है, ठीक है, इसके लेखक हुए। अब थोड़ा शब्दार्थ भी देख लेते हैं। रोज मतलब प्रतिदिन, खींच मतलब चिढ़कर, गुस्सा होकर, जैसे पंडित जी चिढ़ गए थे धोबी की बात सुनकर। धोबी मतलब कपड़े धोने वाले, जो कपड़े धोते हैं। मचलना मतलब परेशान होना, परेशान होना। हमला मतलब आक्रमण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न भी दिया गया है, अगर आप कहानी को अच्छी तरीके से पढ़े हैं तो प्रश्न का हल भी कर सकते हैं। कहानी में टिपटिपा कौन था, आप क्या लिखेंगे उत्तर में? कहानी में टिपटिपा कौन था? अगर आप पढ़े हैं अच्छे से कहानी को तो आप लिख सकते हैं, नहीं पढ़े हैं तो नहीं लिख सकते हैं। टिपटिपा बारिश को ही कहा गया था। आप किस किस को टिपटिपा कहोगे? बारिश को ही कहेंगे। पंडित जी के पास धोबी क्यों गया था? गधे के बारे में पूछने के लिए ना। तो आप अच्छे से जब पढ़ोगे तो आप हर प्रश्न का आसानी से उत्तर दे दोगे। रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था, तोता मैना पोता घोड़ा, कौन सुनता था? पोता सुनता था। सारा गांव परेशान था बारिश से, भालू से, बाघ से, इन सभी से, बारिश से। पत्नी की बात किसको जच गई? धोबी को, ठीक है बच्चे। तो आप ये सब कर सकते हैं और बहुत ही आसान कहानी है, अच्छे से पढ़ेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। और फिर इसका प्रश्न उत्तर भी हम करके भेज देंगे आपको। धन्यवाद। कहीं भी आपको कुछ लगे कि मैम से पूछना है तो आप फ़ोन करके, कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है।